बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साथ भाग ले रहे अन्य राज्य डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन 15 से 31 मई तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा किया गया था। इस परीक्षा के आयोजन के बाद नतीजे एक माह में यानी 30 जून तक घोषित किए जाने थे। हालांकि इस परिणाम अब विलंबित हो जाने से इसमें सम्मिलित 13 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार बढ़ गया है। बता दें कि एनटीए द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के बाद अनौपचारिक उत्तर कुंजियां जारी की जाती हैं और इन पर अभ्यर्थियों से उनकी आपत्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जिन पर समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और नतीजे परीक्षा तिथि से एक माह के भीतर जारी कर दिए जाते रहे हैं। हालांकि इस बार क्यूएट यूजी 2024 के आयोजन के एक माह बाद भी आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। एनटीए द्वारा क्यूएट यूजी के अतिरिक्त कई अन्य परीक्षाएं क्यूएट पीजी, एनईईटी यूजी, यूजीसी नेट और कई अन्य आयोजित की जाती हैं। इनमें से एनईईटी यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं के आयोजन से पहले या बाद में सामने आए कथित अनियमितताओं के कारण देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को क्यूएट यूजी 2024 के आंसर की जारी करने और नतीजे तैयार करने में देरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट क्यूएट यूजी 2024 को लेकर अभी तक जारी नहीं किया गया है।